हेलो, वेलकम बैक टू माय रेसिपीज। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी सा चीला रेसिपी, जो कि गेहूं के आटे से बना रही हूँ और सारी मिक्स वेजिटेबल का बना रही हूँ मैं। ये बहुत ही यम्मी सा बनता है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए कुछ, तो यहाँ पे शिमला मिर्च ली है और टमाटर लिया है और पालक ली है और प्याज लिया है। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और गेहूं का आटा लिया है मैंने, तो एक बॉल गेहूं का आटा लिया, तो मैंने ये सब वेजिटेबल लिया। आप जो भी घर में अवेलेबल हो वो ले लें। तो यहाँ पे मैं अब बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बॉल लिया और उसमें एक आटा डाल दिया गेहूं का, और अब इसमें जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लिए वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज डाल दिया, अगर प्याज जिसको पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं। और पालक भी ऐड कर दिया और शिमला मिर्च और टमाटर भी ऐड कर दिया, तो इस तरीके से। और यहाँ आप यहाँ पे पनीर भी ऐड कर सकते हैं, पनीर से भी बहुत ही यम्मी लगता है। उसको कद्दूकस कर ले, उसके बाद में पनीर को ऐड करते हैं इसमें। और अब इसको मसाला ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मसाला ले लिया मैंने, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, और अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद में इसमें पानी से मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। तो इस तरीके से मिक्स कर लिया और अब पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो इसका बैटर पतला ही बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो, ज़्यादा बिल्कुल पतला भी नहीं हो। तो और भी पानी डालेंगे इसमें, तो थोड़ा थोड़ा डाल के लगाएंगे। तो सख्त आटा तैयार नहीं करना है इसका, चीले का बैटर जैसे बनाते हैं उस तरीके से बैटर बनाना है इसका। ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा और पानी ऐड करना है, ये काफ़ी गाढ़ा बैटर ये तैयार हुआ देखिए है। तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, जो पहले नहीं डाला था मैंने। और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप पतला बैटर तैयार करना चाह रहे हैं तो इसमें और पानी डाल के, और पतला जैसे चीला बनाते हैं उस तरीके से बना सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच। आप चाहे तो स्किप कर दें और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। अब एक पैन लेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, नॉन स्टिक तवा ले लिया। और ये इस पर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, आधा चम्मच से भी कम ऑयल लगाया यहाँ पे। और इसको अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से फैला लिया। और अब जो बैटर तैयार किया था वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं फिर बता दूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं बने गाढ़े से तो आप पतला बैटर तैयार कर ले। तो इस तरीके से मैंने हाथों से फैला लिया इसको। आप चाहे तो पतला बना ले तो उससे वो इजीली फैल जाएगा आपसे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से हाथों से फैला लिया। तो ये देखिए इस तरीके से बना लिया। और अब इसको सिकने देंगे और लो गैस पे ही सिकने देंगे इसको, लो फ्लेम पे इस तरीके से। मैंने साइडों में और डाल दिया थोड़ा सा। ये देखिए बन गया। और यहाँ पे मैं थोड़े से तेल ऐड कर रही हूँ। तेल से देखने में बहुत अच्छा लगता है ये, तो यहाँ पे थोड़े से तेल ऐड करती हूँ मैंने, ऊपर से डाल दिया तेल। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। और ये देखिए बन गया है, कितना अच्छे से सिका है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसको इसी तरीके से सेकेंगे और वही लो मीडियम पे सेकेंगे इसको। और पलटते हुए सेकेंगे और अच्छे से सेकेंगे, क्योंकि गेहूं का आटा है तो कच्चा ना रहे। तो इस तरीके से देखिए, तो इसको फिर पलट लेंगे और ये सीख चुका है। अब इसको अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग बर्तन में, बन चुका है। और इसी प्रोसेस से दूसरे जो भी, सबको इसी तरीके से बना लेंगे। हल्का सा घी डालेंगे बिल्कुल, और इसी प्रोसेस से बना लेंगे सबको। तो पलट लेंगे इसको भी, और देखिए बन के तैयार भी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप ब्रेकफास्ट या शाम के टाइम कुछ भी कभी भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसको बनाना और बहुत ही यम्मी लगता है ये। चटनी, हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है मैंने,
तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।